अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला। अभी बच्चों को स्कूल से लेके आया हूँ मैं। मिमी ने नहा लिया, अली भी आया है, वैसे ही बैठा हुआ। और इनकी भरपूर फरमाइश पे जो है इस वक्त आज स्पेशल जो है ना डिश बन रही है। क्या डिश बन रही है वो मैं आपको किचन में जाके दिखाता हूँ कि क्या बना रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना कुछ दिनों के बाद अड़ी कर जाते हैं कि हमने देसी खाना नहीं खाना, रोटी पानी नहीं खाना। अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम बनाने लगे हैं ये पिज्जा। पिज्जा बनाने की मेन वजह ये है कि आज फिर डिमांड आ रही है। मैंने बच्चों से कहा है एक दिन फिक्स कर लें, मुझे डेली इस चीज पे तंग ना किया करें। और सॉरी माजरत, क्योंकि आप लोग ये समझे कि हम लोग शायद अजान के टाइम पे ये लगे हुए हैं। आज जुमे का दिन है, अजान नहीं हो रही वैसे, तकबीर पढ़ते रहते हैं। फिर जाने से बाद हमारा घर मस्जिद के नजदीक है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है। और लंच बच्चों ने करना ही होता है बेशक कोई सा भी दिन हो। तो पिज्जे के लिए मैंने सामान सारा रेडी किया। यहाँ पे चिकन है बोनलेस, इसके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स बना लिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आज मेरे पास टमाटर नहीं था और मुझे याद भी भूल गया मंगवाने के लिए, तो मैंने इसीलिए ये तो सब्जियां हम दोनों ने ही खानी होती हैं। तो प्याज और ऑलिव्स, इसके साथ शिमला मिर्च हम लगा लेंगे। ये सारे स्पाइसेस जो है ना वो चिकन के अंदर जाने के लिए तैयार है। इसमें है काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, नमक, कुटी सुर्ख मिर्च होती है, ये लहसुन पाउडर है। मैं इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालती, इससे लहसुन पाउडर से ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और उसके जो लहसुन के चंक्स हैं वो भी फील नहीं होते। इसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर है। ये हमारी होममेड जो चिली पिज्जा सॉस है वो रेडी है। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर ये चिली सॉस और साथ में थाइम ओरिगैनो का पाउडर, एक चम्मच दही और आधा चम्मच नींबू का रस डाल के मैंने अब जो चिकन है ना उसको रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया, क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी लोगों की कि आप लोग जो पिज्जा बनाते हैं ना तो उसका जरा हमें डिटेल बता दें, चिकन की रेसिपी दें। हाँ जी, तो ये जो है ना अभी चिकन की, अभी ये सारी चीजें जो आपको बता दी है ये सारी इसके अंदर जाएंगी। इसको आपके सामने इनको सबको मिक्स कर देती हूँ। अब इसका कोई काम नहीं, सिर्फ आपने एक दफा चीजें रेडी करनी है। ये देखिए, अभी इसके साथ ही हमने चूल्हा दिलाए बगैर ही आप नींबू का रस डाल दें। इसमें एक अदद आप एक चम्मच पूरा भर के जो है ना, एक से डेढ़ टेबल स्पून बहुत हो जाता है, इसके अंदर दही वो डाल दें। इसके साथ ही ये सारे स्पाइसेस डाल दें और जो चिली सॉस है ना वो आपकी हस्बे जरूरत है। आपको जितना फ्लेवर पसंद है, बच्चों को ज्यादा स्पाइस पसंद है तब डाल लें, कम पसंद है तो तब डाल लें। तो बस ये चीजें हमने ऐड करके और इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो है अच्छा सा कलर ना आ जाए। डो मैंने बना लिया, डो में आपको दिखाऊं परफेक्ट राइज हो गया, क्योंकि डो का जो टाइम है ना वो उसको अच्छा सा देना पड़ता है ताकि पिज्जे के लिए अच्छे तरीके से राइज हो जाए। तकरीबन डेढ़ से दो घंटे हो गए हैं मुझे ये वाली डो बनाई हुई। अभी एक दफा मैं इसको दोबारा से गूंद लूंगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ जो है ना आटे की तरह इसका जो है वो डो की शेप आ जाए। यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो रेडी हो चुका है। प्लांट्स बेगम ने यहाँ पे रखवाए थे और चिकन हमारा जो है ना ये पक गया है। आप इसको ना कोई 5-10 मिनट पहले बना के रख लिया करें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन अब हमने इमरजेंसी में बनाया है इसीलिए हमने इसको साथ ही बना लिया। कोई टेंशन की बात नहीं है। दो पेड़े कर लिए मैंने, 3.5 कप मैदा लिया, 1 यीस्ट का साशे पूरा लिया था और उसके अंदर 1 चम्मच जो 1 टीस्पून है वो नमक का और 1 पूरा टेबलस्पून भर के चीनी का डाल के 2 चम्मच उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाले है। डो बनाई है 3.5 कप, जो जब हम ये वाले मेजरिंग कप होते हैं ना एग्जैक्ट इनको हम देख के जब बनाते हैं, तो ये जो हमारे पास ट्रे है ना इसके ये लार्ज साइज, ये लार्ज साइज एक्स्ट्रा लार्ज साइज की ट्रे है, दो पिज्जे आराम से आपके परफेक्ट पिज्जे रेडी हो जाते हैं। अगर आपको ज्यादा जरा मोटा पिज्जा पसंद है बेशक आप 4 कप कर लें, लेकिन 3.5 कप जो है वो परफेक्ट बन जाता है। अब 2 हिस्सों में मैंने डो को कर लिया, 1 पेड़ा अभी उसमें रखा हुआ है क्योंकि वो मैं उसके बाद बनाऊंगी। और ये पहले वाला जो बच्चों का पिज्जा है ना इसको भी रोल करते हैं। चीज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये मोजरेला और चेडर चीज जो पिज्जा चीज होता है, दोनों चीजें इसके अंदर जो है वो मिक्स है और इनको भी हमने साथ में श्रेड, वैसे तो ये श्रेड किया हुआ है लेकिन जब इसको फ्रीजर में रखते हैं तो ये आपस में जो है वो इकट्ठा सा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे एक दफा इसको दोबारा से श्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया इसे। और जो हमने पैन है जिसके अंदर पिज्जा लगाना है, हमने जो पिज्जे की ट्रे है उसको ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया अच्छे तरीके से इस ट्रे को, इसके अंदर हम पिज्जा जो है वो बनाएंगे। अभी मैं इसकी डो बेल लेती हूँ और उसको उसके अंदर हम रखते हैं। पहले रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर जो ना ऐसे सुराख कर देते हैं वरना ये फूल के गोल गप्पा की तरह बन जाती है। अभी पिज्जा सॉस इसके ऊपर लगेगी, ये चिकन लगेगा बच्चों के लिए सिर्फ और चीज लगेगा, बाकी कोई चीज नहीं जाएगी इसके अंदर। नहीं, ऑलिव्स का कहा है मुझे, उन्होंने कहा है लगा दें ऑलिव्स थोड़े से। अच्छा चलो लगा दें। हाँ, बाकी वो प्याज टमाटर तो हर चीज उन्होंने नहीं, वो नहीं, मेरा तो खुद नहीं दिल कर रहा, वो आजकल बहुत ज्यादा आतफ क्या वो शक्शुका बहुत बनवा बनवा के खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है सॉसेजेस, इनको पसंद होती है। और आतफ को इजान कंपनी देता है सबसे बेस्ट जो सॉसेजेस के लिए, अली बेचारा माँ के जैसा है उसको भी नहीं पसंद। ये हमने पिज्ज़ा सॉस जो है वो अच्छे तरीके से फैला लिए। पिज्ज़ा सॉस जो घर वाली है ज़्यादा मज़े की बनती है, जो हम बाज़ार वाली लेते हैं हमें तो पता नहीं उसके अंदर वो एक
अजीब सा फ्लेवर फील होता है, मुझे तो नहीं पसंद है, ना ही हमारे घर में बच्चों को पसंद है। तो इसी वजह से हम जो पिज्जा सॉस है ना, ये भी घर में बनाते हैं। मैं एक दफा बना के इसको मैंने फ्रीज कर लिया था, अभी देखें आपके सामने इसको निकाला हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं किया। अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप इसको फौरन से 2 मिनट के लिए जो है वो चूल्हे पे गर्म कर लें, जैसे हम फ्राइंग पैन में किसी में भी डाल के करते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी इसका जो है ना वो इशू नहीं रहता। अभी मैं इसकी साइडों पे ऑयल जो है वो ब्रश करने लगी हूँ, पूरे एजेस जो है इसके किनारे, ताकि उसके अंदर जो है वो क्रिस्पीनेस आए थोड़ी सी। ये इसके साथ जो है ना कलर बड़ा अच्छा जबरदस्त आ जाता है। अगर आपको ये ऑयल नहीं पसंद तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, अंडा भी नहीं लगाना चाहते तो ये सॉस ही किनारों तक ले जाएं, उसके साथ भी जो है वो कलर इसका परफेक्ट आ जाता है। लेकिन ये है कि थोड़े से एजेस इसके साथ प्रोमिनेंट फील होते हैं, जिस तरह हम बाहर से पिज्ज़ा लेके खाते हैं। और इसके अलावा कोई वजह नहीं है, बेशक आप इसको पूरा फ्लैट करके एंड तक जैसे चाहे अपनी मर्जी। पिज्जे के लिए कोई इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी पसंद से लोग बनाते हैं। किसी को थिन क्रस्ट पसंद होता है, किसी को ज़रा जो है वो मोटे वाला पसंद होता है। हमारे घर में हम जो है वो हर तरह का बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पतले वाला ही पसंद करते हैं। बहुत मोटे वाला आता को इशू होता है कि रोटी ऐसे लगती है जैसे कच्ची कच्ची हो। बाकी क्रिस्पी करना है, आपने कलर देना तो उसकी टाइमिंग बढ़ा दें। ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है तो मैक्सिमम जितना आपके पास टेम्परेचर इसका हो सकता है ना, आप उतने टेम्परेचर पे जो है ओवन को प्री हीट कर दें। मैंने इसको रख दिया करने के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए। और अभी हम यहाँ पे खुला चीज़ इसके अंदर डालेंगे। खुला का मतलब है जितना भर भर के आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। कम पसंद है कम डालें, क्योंकि चीज़ घर में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़े में जो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है वो इसके लिए चीज़ ही होती है, क्योंकि चीज़ आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत महंगा है। बाहर तो हमें कभी भी नहीं ये फील हुआ था, लोग इसी वजह से जो है ना प्रेफर करते हैं कि बाहर से ही लेके पिज़्ज़ा खा लें बनिस्बत इसके के घर बनाएं। लेकिन जब अब अगर आपने बनानी है कोई क्लास की चीज़ तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ता है, थोड़ी सी एफर्ट भी करनी पड़ती है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अभी हम इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। कुछ हमने अपने पिज़्ज़े के लिए बचा लिया हाफ हाफ सेक्शन, और ये आधा जो है चिकन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी लगाने इनमें ऑलिव्स, ऑलिव्स भी एक बच्चा मेरा खाता है, एक बच्चा खाता ही नहीं है, तो इसीलिए हाफ साइड पे जो है वो मैं ऑलिव्स लगाऊंगी। बाकी थोड़ा सा इसके ऊपर हम दोबारा से जो चीज़ है वो ड्रिजल करेंगे क्या लगा लें आप इसकी टॉपिंग कर दें चीज़ के साथ अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने कुछ और स्प्रेड किया है इसको, और ये पहला पिज़्ज़ा हमारा जो है वो रेडी है पकने के लिए। इसको अभी हम रखते हैं ओवन के अंदर, ओवन के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो है वो प्री हीट होने के लिए। ये इसका 200 मैक्सिमम जाता है, इस पर मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रखा था। अभी हम इसको 10 से 12 मिनट जो है वो पकाएंगे, और उसके बाद फिर इसकी जो अपर रॉड है उसको ऑन करेंगे ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। जो है ना हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, फुल ग्रिल हो गया, इसकी बारबेक्यू लोग खा गए, चेक करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी एक हुआ है पिज़्ज़ा, और इजान भी इस वक्त किचन में आ चुका है देखने के लिए। इजान कुसर कर रहा है। इजान क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बता दो। नहीं, क्योंकि इजान की सबसे ज्यादा इजान की ख्वाहिश होती है कि ये ऐसा पिज्जा बना कर उनको उसको खिलाया जाए, क्योंकि देसी खाने से बहुत बुरे लगते हैं। हमारे पिज्जा वगैरह रेडी हो रहे हैं, तो इतने में जुमे का टाइम हो गया। अभी एग्जैक्ट जो है ना 1:30 बजे का टाइम है, 1:28 हो गए हैं। 2 मिनट की दूरी पर हमारी मस्जिद, बिल्कुल घर के सामने हमारी मस्जिद है, तो जाते हैं जुमा पढ़ के आते हैं, फिर आगे साल जाना खाते हैं, बच्चों से रिव्यू भी लेते हैं। ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, बच्चों का तो हो चुका है, हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट है माशाल्लाह, बेहतरीन है बेहतरीन। बस निकाल लें इसको, निकाल लें, ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट जो है ना इसकी बेकिंग हो चुकी है, और ज़बरदस्त है। इसको टेस्ट करके भी चेक करते हैं पिज़्ज़े की लुक, देखें आप ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना हैवी ड्यूटी साइज है, और ये हम दोनों जैसे साइज के ही है। ये थोड़ी देर में हमारे साइज के अंदर जो है ना फिट हो जाना है इसने इंशाल्लाह माशाल्लाह एग्जैक्ट। दूसरे पे थोड़ा सा कलर आ गया था, पिछली दफा मुझे कह रहे थे खाते हैं, और बच्चे यहाँ पे जो ना माशाल्लाह बच्चों से तो वेट नहीं हुआ उन्होंने, तो बच्चे तो शुरू हो चुके हैं ना, दोपहर का खाना नहीं, लंच टाइम स्कूल से आए अभी, तो जारी सी बात उन्होंने खाना तो खाना ही है। जुमा पढ़ के आए थे अभी मिठू और हमारा एलिसन और मिमी, तीनों मिमी को भी दो यार प्लेट दे दो ना, एक उसमें खा लो, बेटे खिलाना ही पड़ना है, उसने कौन सा कुछ खाना है, प्लेट में रखते गई हूं। चले जी, ये जो है ना आज की सेलिब्रेशन हमारी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो है ना आज की सेलिब्रेशन जो है ना, हमारे एक बहुत ही नौजवान किस्म के हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनकी आज बर्थडे है,
1 नवंबर 1949 में उनकी बर्थ हुई थी। हमें उनका नाम तो नहीं पता, वो आदम के नाम से ही आते हैं, तो बाबा आदम, हम तो बाबा आदम ही देख रहे हैं कि बाबे आदम के नाम के साथ ही उनका नाम अटैच है। तो उनके आज बर्थडे है, बाकी वो नौजवान है, उनको बुजुर्ग नहीं हम कह सकते क्योंकि वो गुस्सा करेंगे। आज हमारी कजन की भी बर्थडे है। हाँ। आज गौरव की, मेरी भतीजी की बर्थडे भी है आज। तो ये जो है ना उनके नाम है आज, हम उनको मेरा सर कहते हैं। तो उनकी रीजन ये है कि उनकी जो सेकंड वाइफ है ना अब, वो मेरे ख्याल में मेरी एज की है। भाभी शकीला जो है ना वो मेरी वाइफ की एज की है, और वो सुना है कि हमने पाकिस्तान आई हुई है। तो उनको हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी, आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको जितनी उम्र है इतनी उम्र ही और आपको दे, बल्कि इससे भी ज्यादा। दिल उनका बड़ा जवान है, जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं। हाँ, वो दिल के तो नौजवान है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और वैसे भी नौजवान है, वो कहते हैं भाई मैं मीन्स की एज में भी उन्होंने दूसरी शादी की है, वो उनकी मिसेज मेरी मिसेज की एज है, तो जारी सी बात है वो नौजवान है। तो आज का दिन आपके लिए सर जी, आपके हम पिज्जा काट के खाएंगे अभी, आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो यही ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।